रोहतक जिले के पाकसमा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक का शव सुबह गांव में ही गली में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतक युवक की पहचान झज्जर जिले के गिरावट गांव के रहने वाले मनीष के रूप में हुई है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि हत्या के पीछे किसका हाथ है और किस वजह से यह हत्या हुई है। परिजनों का कहना है कि 3-4 दिन से मनीष घर से निकला हुआ था और आज सुबह उन्हें उसकी हत्या की सूचना मिली है। वहीं जांच अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि सुबह पुलिस को सूचना मिली थी और उन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच की। युवक की छाती में गोली लगी हुई थी। उन्होंने परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि परिजनों का कहना है कि मनीष का कुछ आपराधिक लोगों के साथ उठना बैठना था और वह पाकसमा गांव में भी अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आया था। कैसे, क्या हुआ, क्या लगता है? कुछ नहीं पता जी, वो 4-5 दिन से निकला हुआ था घर से, नहीं किसी के साथ कोई रंजिशबाजी है ना और कुछ है। और अब देखो प्रशासन जो करेगा वो मान्य है। तो किसी से मिलने गया था क्या कुछ? हमें कोई पता नहीं उसको कि उसका कोई किससे कहाँ पर गया था, वो 4-5 दिन से बाहर था। अच्छा, इससे पहले किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं किसी का, कोई वो नहीं। क्या कुछ काम करते थे? ये गाड़ी चलाया करते थे। तो कैसे, किस टाइम से पता लगा आप लोगों को? हमें सुबह पता लगा है। तो प्रशासन की कार्रवाई कर संतुष्ट है? संतुष्ट हम प्रशासन। आपको पता लगा क्या कुछ? सुबह करीब 6 बजे के आसपास थाने में टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई थी गांव के सरपंच की तरफ से कि भी इस तरह एक डेड बॉडी और गांव की गली में पड़ी है। जो इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा था, जाके देखा तो उसको एक गोली छाती में लगी हुई थी। उसके शिनाख्त आसपास से पूछताछ करके कराई तो उनके परिवार वालों को मौके पर बुलाया गया और उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है अननोन अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। और हमारी टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र हम दोषियान को अरेस्ट कर लेंगे। कहाँ से है कुछ अभी तक कुछ पता नहीं? ये मनीष नाम का लड़का है और गांव गिरावट का रहने वाला था और यहाँ अपने यहाँ किसी दोस्त के पास आया हुआ था पाकिस्तान में। तो अभी तक कुछ पता लगा किसने कंट्रोल में? अभी तक कोई सुराग नहीं लग गया है, लेकिन शीघ्र ही हमारी टीमें काफ़ी प्रयास कर रही हैं और शीघ्र ही 1-2 दिन के अंदर ही हम इस मुकदमे का निपटारा करेंगे। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? प्राथमिक जांच में तो ये आया कि भाई ये आपस में है ना थोड़ा आवारा किस्म के लड़के थे जिनके पास ये बैठा हुआ था, तो एक बार उनसे पूछताछ करके और शीघ्र इसको हम निपटा देंगे।